तो सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम बढ़िया हैं, तीनों के तीनों। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:45 बजे से। 7:45 हो चुके हैं और अर्जुन हो चुका है स्कूल के लिए तैयार, और अर्जुन के पापा हो रहे हैं ड्यूटी के लिए तैयार। और दोस्तों हम सब ना खाना खा रहे हैं, और खाने में बनाए भिंडी और करेले की सब्जी, और साथ में हैं देसी घी, और साथ में बनाए हैं पत्रोड़े। अभी ना तवे में ही डाले हैं, अभी ये पके नहीं थे ना अच्छी तरह, और साथ में चपाती। तो चलो करते हैं अपना नाश्ता और चलते हैं अपने अपने काम के लिए। क्यों अर्जुन? तो दोस्तों अर्जुन और अर्जुन के पापा दोनों जा चुके हैं ड्यूटी हो रहे हैं, तो इनकी गाड़ी का टाइम हो चुका है ना। और आज मौसम कुछ ऐसा धुंध वाला हो चुका है, बारिश आ रही है बड़ी ज़ोरों से। दोस्तों मैं फ़ोन को यहीं पर रखूँगी क्योंकि बारिश का डर है ना, आज बड़ी ज़ोरों से बारिश आई है, तो इसलिए मैं जाती हूँ गाय वगैरह की करती हूँ, घास वगैरह काट के लाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे सीधा के। दोस्तों मैं जो हूँ घास वगैरह करके आ चुकी हूँ, और अभी ना मैं कीर्तन के लिए आई हूँ अपने गाँव में। तो आज ना यहाँ पर दिन को कीर्तन रखा है, वैसे तो कीर्तन शाम को होता है ना जागरण वगैरह, लेकिन हमने बोला था शाम को बारिश वगैरह होती है, तो रास्ते कुछ ऐसे हैं भरे पड़े हैं हरियाली से, तो घास ऊंचा ऊंचा हो रखा है ना, तो इसलिए हमने बोला कि हम दिन को ही कीर्तन करेंगे, तो इसलिए हम दिन को आए हैं। तो यहीं घर के पास ही आए हैं हम, तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे कैसे फ्रूट लगे हैं। तो दोस्तों ये जापानी, ये हमारे लोकल जापानी है, हमारे यहाँ पर जो है जापानी उगाए जाते हैं, वैसे तो हर चीज़ उगाई जाती है, सेब वगैरह से लेके सब होता है, पल्लम वगैरह से लेके कीवी से लेके सब होता है। जापानी की ना 2-3 वैरायटियाँ होती है, अब ये पता नहीं कौन सी है, इतना मैं इनके बारे में जानती हूँ। और मक्की वगैरह कुछ ऐसी हो चुकी है इतनी ऊंची ऊंची, और मिर्च बोई गई है, और इसमें ना लग भी गई है देखो खाने के लिए। दोस्तों कुछ भी बोलो लेकिन शहर से अच्छे ना हमारे गांव ही होता है, एकदम शांत शांत माहौल, और औरतें ऐसे बैठ के ना दिन को कीर्तन वगैरह भी कर सकती है, शहरों में तो शोर ही शोर होता है ना, पर शायद ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं गांव की हूँ, जो शहर के हैं उन्हें तो शहर भी अच्छा लगता है ना। Oh,
दोस्तों, हम जो है कीर्तन वगैरह करके और जन्मदिन वाले घर से आ चुके हैं। खाना पीना हमने खा लिया है। अब जो है टाइम हो रहा है 5:30, तो हो ही गया। अब डिनर भी हमारा हो ही गया, बस यही अब नहीं और बनाएंगे हम ना। अब सीधा घास लाने जाऊंगी मैं ऐसे जल्दी से, और ऐसे जल्दी से आऊंगी और फिर देखते हैं। अर्जुन करेगा पढ़ाई और अर्जुन से मिलवाती हूँ मैं आपको। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? ए हैं, देखो आप इसके नखरे देखो ढंग से करो। और फिर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखो बिल्ली मौसी बैठी है, और एक और देखो, देखो आपके पीछे, और ये की है। देखो खाने को कैसे करता है। अच्छा तो दोस्तों मैं जा रही हूँ नीचे अपनी गौशाला गाय वगैरह की करने और घास वगैरह निकालने, और अर्जुन खेल रहा है साइकिल में। तो ये रहा, मैंने तुझे मना किया चादर के पास लेके मत जा साइकिल, फट जाने इसके टायर, सुनाई देता तेरे को। अच्छा देखो दोस्तों, इतने बदतमीज होते हैं लड़के ना, बच्चे मानते ही नहीं है। गिरना था भी तब लगना था तेरे को पता। देखो इसकी मस्ती है ना खत्म लेने, खत्म होने का नाम ही लेती है। दो स्टंट देखना मेरे और, ठीक है? हाँ तेरे स्टंट देखो, मैं अभी नीचे जाना है मुझे। तो दोस्तों ना ये साइकिल चलाने में एकदम एक्सपर्ट हो चुका है। चादर के पास लेके गया ना तो देख लेना ये क्या कर रहा है वो भाई।
वो भाई दोस्तों, ये तो अर्जुन के नखरे हैं ना, ये खत्म होने का नाम ही लेते हैं। जब देखो मस्ती करता रहता है, पर वैसे ठीक भी है ना, बचपन में ही करेंगे मस्ती, फिर तो नौकरी वगैरह का हो जाएगा सिर के ऊपर, है ना, कंपटीशन। तो ना अभी मैं यहाँ पर जूते पहन रही थी तो मुझे पता क्या दिखाई दिया नीचे, मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो कौन सा जो है तितली के जैसे है कुछ, देखो इसको अगर मैं यहाँ पर करूँगी ना तो देखो काटने को आता है, क्या चीज़ है पता नहीं, देखो देखो एकदम ऐसे काटने को आता है दोस्तों, भगवान ने क्या क्या बना के रखा है देखो। अब कोई भी चीज़ है वो रक्षा तो अपनी करेगी ना एकदम, और अगर मैं यहाँ से करूँगी ना, देखना आप इसको ठीक है, अगर मैं यहाँ से करूँगी तो जिस तरफ ये जाएगा ना, देखना मेरी उंगली जाएगी ना, ये उसी तरफ अपने मुंडी लाता है, ये देखो भाई। तो ऊपर वाले भगवान ने ना पता नहीं कैसी कैसी चीजें बना के रखी है। तो उसने दोस्तों देखना काटने को भी आता है, देखना ये ना काटेगा, देखो टाइम हो रहा है शाम के 7 बज चुके हैं, और मैंने अभी अपनी गौशाला के पास थोड़ा सा घास काटा है, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा नीचे भी है दो जगह पर, और उसके नीचे भी है थोड़ा सा, तो अभी लेके जाऊंगी मैं उसको। और तब तक ना बारिश पड़ रही है मध्यम मध्यम, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो मैं लेके चलती हूँ इसको जल्दी से। तो अभी ना आज पूरा दिन बारिश नहीं हुई है, तो इसकी वजह से मैंने जो यहाँ पर अपनी गाय वगैरह को बांध वगैरह खिलाया है ना, तो लकड़ियाँ सूखी है, तो इनको ना मैं बांध के लेके जाऊँगी घर जल्दी से। तो चलो चलती हूँ, घास बांधती हूँ जल्दी से, और गाय वगैरह का दूध निकालती हूँ, और उसके बाद जाती हूँ लकड़ी लेके घर। और ना आज फिर से अर्जुन के पापा घर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी मंडी में ही लगी थी नज़दीकी, तो फिर से घर आ रहे हैं। दोस्तों कितना अच्छा अच्छा लगता है ना, कि जैसे हम औरतें होती है तो अगर डेली हस्बैंड शाम को घर आए ना तो मन कितना खुश हो जाता है। हम चाहे पूरा दिन कितना भी काम करें ना, लेकिन मन बहुत ही जो है अच्छा हो जाता है अगर डेली हस्बैंड सुबह ड्यूटी पे जाए और शाम को घर वापस लौट के आए, है ना। मम्मा और पापा आ गए हैं घर, मम्मा गूंथ रही हैं आटा और पापा चला रहे हैं फोन। इनको तो यही पड़ी रहती है बस, हमारे साथ कोई बात नहीं करनी आती।